Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the important chapter from costing, which will be for 20 marks in the paper, and that is reconciliation of cost and finance. So we are going to study about the reconciliation of cost and finance. Hum kuch basic cheezon ke upar focus karne wale hai ki reconciliation kya hai, रिकन्सिलेशन के ऊपर आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. ये आपके पेपर में 20 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं. तो रिकन्सिलेशन की अगर हम बात करें तो इस वीडियो से मैं आपको सारी डिटेल्स रिकन्सिलेशन की, आपके जो ऐड और लेस में जो यूजुअली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं उसके बारे पे भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके. और अगर वो आपके क्लियर हो जाए तो आप कोई भी पॉइंट ये जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो रूल से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आपके जो आंसर्स है वो राइट आएंगे. दैट मीन्स जो ऐड करना है या जो लेस करना है वो किस बेस पे ऐड करना है और किस बेस पे लेस करना है, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम आज इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने जो बेसिक्स है वो क्लियर करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको क्या फोकस करना है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है. रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो अराइज होता है डिफरेंस इन कॉस्ट एंड फाइनेंस के प्रॉफिट में. अगर आपके कॉस्ट और अगर आपके फाइनेंस के प्रॉफिट में कुछ डिफरेंस रहा तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल आपका कॉस्ट का प्रॉफिट 10,000 है और आपके फाइनेंस का प्रॉफिट 5,000 है, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉफिट्स, तो उसी के वजह से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है और रिकन्साइल किया जाता है कि वॉट आर द डिफरेंसेज इन द प्रॉफिट. द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंस एंड द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट इज डिफरेंट एज फाइनेंशियल आइटम्स आर इग्नोर्ड इन कॉस्ट शीट. तो वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि कॉस्ट शीट का प्रॉफिट और फाइनेंस का प्रॉफिट डिफरेंट क्यों होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज कॉस्ट शीट जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारे फाइनेंशियल आइटम्स इसमें से इग्नोर होते हैं. तो दैट इज़ वाई रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में फाइनेंस के प्रॉफिट और कॉस्ट के प्रॉफिट को रिकन्साइल किया जाता है. बिफोर वी बिगिन द बेसिक्स ऑफ रिकन्सिलेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक छोटा सा फॉर्मेट दिया है, अंदर के पॉइंट्स उसमें मेंशन नहीं किए हैं. तो इफ़ यू रिमेंबर हम डायरेक्ट मटेरियल्स लेंगे, डायरेक्ट वेजेस लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे. अगर हम ये तीनों को ऐड करेंगे सो इफ़ वी ऐड डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट आने के बाद अगर हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लेस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसमें अगर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट को तो हमें आंसर फाइनली मिल जाएगा सेल्स. अगर आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट शीट. अनलेस एंड अंटिल यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट यू कैनॉट सॉल्व रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बिकॉज अगर आप कॉस्ट शीट में ही गलत कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो टैली नहीं होगा. अभी कुछ बेसिक रूल्स है फॉर प्रिपेयरिंग द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. देखो पहला रूल ये है, ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग एंड देन अराइव एट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस. तो आपको एक बेस याद रखना है, हम हमेशा कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और हमारा डेस्टिनेशन होगा फाइनेंस का प्रॉफिट. क्योंकि लिए जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा वो रूल्स भी हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू करके फाइनेंस के प्रॉफिट में जाएंगे तो ही अप्लाई होंगे. और अगर आप यही रूल को उल्टा कर दोगे तो हम फाइनेंस के प्रॉफिट से कॉस्ट के प्रॉफिट के भी रूल्स कर सकते हैं. मतलब ये जो रूल्स है, ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेसिक पॉइंट्स है वो आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप
के ऊपर है आप कैसे अप्लाई करते हो। तो हमेशा हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग से फाइनेंस जाएंगे। तो अगर हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से फाइनेंस के प्रॉफिट में जा रहे हैं तो दैट विल बी द रूल फॉर दिस। नेक्स्ट इज पॉइंट्स विच आर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। ये आप सब जानते हैं। तो जो भी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगी वो हमारी एक्सपेंसेस होगी, और जो भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में होगी उसको हम क्या मानेंगे, इनकम। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बोले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बोले, तो जो भी डेबिट है वो एक्सपेंस है, और जो भी इनकम होगा, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक, आपको एक पॉइंट यहाँ पे मेन याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, इनकम। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो दीज आर द बेसिक रूल्स। अब मैं आपको कुछ एडलेस के रूल्स बताता हूँ। देखो ये एडलेस के दो तरीके हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें और अगर आपको कॉस्ट में अमाउंट ज़्यादा मिलेगा तो हमें ऐड करना है। ये रूल आपको इस बेस पे समझ नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आगे, तो आपको थोड़ा सा रूल क्लैरिफाई हो जाएगा। बट रूल्स आपके पास होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करके दिए। इफ़ अमाउंट इज़ लेस इन कॉस्ट देन आपको लेस करना है, और इनकम में भी सेम है। अगर आपका अमाउंट मोर है कॉस्ट में तो आपको लेस करना है, और लेस है कॉस्ट में तो आपको ऐड करना है। देखो इसको किस तरीके से याद रखें। देखो कॉस्ट है और यहां पे एक्सपेंसेस है, तो अगर आपका कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस ज्यादा रहा, कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस ज्यादा रहा मोर, इसका मतलब आपको प्लस करना है। अगर आपके कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस कम रहा लेस, इसका मतलब लेस करना है। अगर एक्सपेंस बड़ा रहा तो ऐड करना है, एक्सपेंस कम रहा तो लेस करना है। और इसी के उल्टा रूल आप इनकम में अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले क्या लिखा, अगर इनकम मोर रहा तो इधर प्लस किया है तो इधर क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ पे अगर लेस रहा, इनकम लेस रहा तो ऊपर क्या किया है, माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करेंगे। तो इसको मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करना। देखो डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्टिंग में 10,000 है, फाइनेंस में 8,000 है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल्स आर ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट एंड अंडर वैल्यूड इन फाइनेंस। ये कॉस्टिंग में 8,000 है, फाइनेंस में आपका कॉस्टिंग में 10,000 है, फाइनेंस में 8,000 है। अब आप 10,000 और 8,000 को देखें, पहले 10,000 और 8,000 को देखने के बाद सिंपल रूल है, 10,000 में से अगर हम 8,000 को माइनस करें, 10 - 8, तो कितना आंसर आता है, 2000 आता है। ये 2000 आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो आपको ऐड करना है। सिंपल रूल, अगेन आई रिपीट, 10,000 में से 8,000 अगर हम माइनस करते हैं और आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। और अगर यही आंसर नेगेटिव मिलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। लेकिन ये रूल किसके लिए है, ये रूल है एक्सपेंसेस के लिए। सो अगेन आई रिपीट, कॉस्टिंग के वैल्यू को फाइनेंस के वैल्यू से माइनस करके अगर आंसर पॉजिटिव मिला तो क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर कॉस्टिंग के वैल्यू को फाइनेंस के वैल्यू से लेस करने के बाद, देखो यहाँ पे सेकंड है फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,000 - 20,000, कितना आंसर मिल रहा है, -5,000, तो अब क्या करोगे, लेस करेंगे। बस यही बेस है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आपका आंसर राइट ही आएगा। बट दिस इज फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये रूल आपको किस में अप्लाई करना है, एक्सपेंसेस। अब आप सोचेंगे कि एक्सपेंसेस है या इनकम है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यूजुअली मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, जो भी डेबिट साइड आता है वो क्या होता है, एक्सपेंसेस, और जो भी क्रेडिट साइड आता है वो क्या होता है, इनकम। सो वॉट एवर पॉइंट्स आर ऑन द डेबिट साइड दैट विल बी एक्सपेंसेस, वॉट एवर पॉइंट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड दैट विल बी इनकम। तो अगेन आई रिपीट, सिंपल रूल है, अगर आपको कॉस्टिंग के अमाउंट से फाइनेंस का अमाउंट आप माइनस करते हो और आपको आंसर पॉजिटिव मिला तो ऐड कर लोगे, कॉस्टिंग के आंसर को फाइनेंस के प्रॉफिट के फाइनेंस के आंसर के साथ अगर माइनस करके आपको आंसर नेगेटिव मिलता है तो आपको लेस करना है। कुछ इनकम का भी एग्जांपल लेता हूँ। इनकम में देखो कॉस्टिंग का वैल्यू है 10,000, फाइनेंस का वैल्यू है 3,000, तो 10,000 - 3,000 7,000 गया,
तो आंसर आएगा 3000 पॉजिटिव, लेकिन इनकम में उल्टा रूल है। इनकम में क्या रूल है, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो उल्टा लेस करने का, क्लियर है। सो पॉजिटिव अगर आंसर मिलता है, दिस इज इनकम, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सो इनकम में क्या है, रिवर्स रूल, रिवर्स रिवर्स रूल। रिवर्स रूल क्या बोलता है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आप लेस करना, अगर आंसर नेगेटिव आया तो आपको ऐड करना है। ये बेसिक रूल आपके इनकम से रिलेटेड। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंस, तो इसके लिए आपको ज़्यादा रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सिर्फ फाइनेंस में आती है और वो अगर एक्सपेंस है तो लेस हो जाएगा, जो चीज़ें सिर्फ फाइनेंस में आती है वो अगर इनकम है तो ऐड हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसके लिए एक पॉइंट लेंगे हम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, समझो कॉस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएगा, कॉस्ट में नील है, फाइनेंस में 2000 है, तो आपको क्या करना है, लेस करना है। और अगर इनकम की बात करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट समझो, या इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉस्टिंग में डैश है, फाइनेंस में 3000 है, तो ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स के लिए भी रूल है और ऊपर के पॉइंट्स के लिए भी मैंने आपको रूल बता दिया है।